हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, नेट, मैथ, नेट, एसआरएफ, गेट या मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए और उस पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें और सॉल्व करके क्या सॉल्यूशन आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो इसको ट्राई कीजिए, अगर ट्राई सॉल्व नहीं कर सकते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप देखिए, इसमें मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास दिया हुआ है, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कहीं पर भी वाई की टर्म नहीं है, वाई की टर्म नहीं है तो इस कंडीशन में सिंपली लेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी, जिससे इंप्लाई होगा अगर हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स। ये हो गया, अब ये हो गया हमारे पास। तो अब ये वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो यहां से ये हो गया डी पी अपॉन डी एक्स, डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। या यहां से इसको लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस पी कॉमन ले लिया और 1 प्लस पी स्क्वायर, ये लिख दिया। अब फ्रेंड्स, इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली पी के इस टर्म को नीचे लाएंगे और इधर को मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन पी 1 प्लस पी स्क्वायर ऑफ डी पी इक्वल टू माइनस dx। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसके पार्शियल फैक्टर बनाने हैं। तो पार्शियल फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, पार्शियल फैक्टर बनाने के लिए मैं इधर बता देता हूं, इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन पी 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन पी प्लस बी पी प्लस सी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब फिर से अगर हम इसका एलसीएम ले तो एलसीएम यही आ जाएगा, एलसीएम लिया हमने इसका तो पी 1 प्लस पी स्क्वायर जो कि ये टर्म है ये आ चुकी है हमारे पास। अब यहां से अगर देखें तो पी से तो पी कट जाएगा, 1 प्लस पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए से होगा तो ये होगा हमारे पास ए प्लस पी स्क्वायर डॉट ए। अगर आप इसमें देखें तो 1 प्लस पी स्क्वायर से 1 प्लस पी स्क्वायर कट जाएगा, पी का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी पी स्क्वायर प्लस सी पी। अब अगर हम इसके कोफिशियंट्स देखें, कोफिशियंट देखना चाहें तो ये हमारे पास है, अगर पी का कोफिशियंट देखें तो पी का कोफिशियंट है, सॉरी पहले पी स्क्वायर का देखें तो पी स्क्वायर का कोफिशियंट है हमारे पास ए प्लस बी। तो पी स्क्वायर का कोफिशियंट अगर यहां देखें तो यहां पर पी स्क्वायर का कोई कोफिशियंट नहीं है, तो इसका मतलब पी स्क्वायर का कोफिशियंट जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ये हो गया। अब अगर हम सी पी का कोएफिशिएंट देखें तो पी का कोएफिशिएंट ओनली सी है, तो सी डॉट पी ये हमारे पास पी का कोएफिशिएंट। तो यहां पे अगर देखें पी का कोएफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब सी को इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब कांस्टेंट देखें तो कांस्टेंट ओनली ए, तो ए बराबर 1, क्योंकि ए इधर कांस्टेंट का कोएफिशिएंट देखें तो 1 है, तो ए बराबर 1 है और ए प्लस बी इक्वल टू 0 से हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल टू माइनस 1, ए इक्वल टू माइनस बी, तो b इक्वल टू अगर देखे तो माइनस 1, तो यहां से a बराबर बना गया, b बराबर माइनस बना गया। तो इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को लिखना चाहें तो a की जगह 1 एंड b की जगह माइनस 1, माइनस 1 एंड c की जगह 0, तो ये हो गया। या इस माइनस 1 को हम यहां पे लाएं तो ये हो जाएगा माइनस ये। तो इस तरह से हम इसको इसके पार्शियल फैक्टर बना सकते हैं, तो ये हमारे पास इसके पार्शियल फैक्टर आ गए, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन पी माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास डी पी इक्वल टू माइनस डी एक्स। अब फिर हमें इंटीग्रेशन करना है इस टर्म का, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपली पहले इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं बन रहा, बाकी डायरेक्ट बन रहे हैं। तो यहां पर हमने 1 प्लस पी स्क्वायर बराबर टी एज्यूम किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ डी पी बराबर 1 अपॉन 2 ऑफ डी टी, तो ये आ जाएगा। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन पी
डीपी माइनस वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा हमारे पास टी नीचे, ये तो टी है हमारे पास, वन अपॉन पी डीपी बराबर डीटी, तो ये डीटी ये हो गया, तो और इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू माइनस डीएक्स। अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पे आ जाएगा हमारे पास लॉग पी माइनस वन अपॉन टू लॉग टी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अब ये आ गया हमारे पास। अब इस टर्म को हमें अभी हमें चाहिए y की वैल्यू, तो dp अपॉन d जो p है उसको भी सॉल्व करना होगा हमें, तो p के लिए सॉल्व करना होगा, पहले इससे हम p की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। p की वैल्यू सिंपली एक टर्म में हमारे पास निकल आए, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो ये हो गया हमारे पास log p, log p माइनस वन अपॉन टू, अगर टू का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो log टू log p, और ये माइनस लॉग, और टी बराबर क्या था, टी बराबर था हमारे पास वन प्लस पी स्क्वायर, वन प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको देखें तो ये हो गया माइनस टू एक्स प्लस टू सी, तो टू सी को भी हम कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, सी कॉन्स्टेंट है, टू सी भी कॉन्स्टेंट है, तो इसको भी हमने सी लिख दिया, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहां से उसे हो जाएगा हमारे पास ये, अगर हम दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर लें, माइनस का मल्टीप्लाई कर ले पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग वन प्लस पी स्क्वायर माइनस, और ये लॉग टू लॉग पी को क्या लिख सकते हैं, लॉग पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू एक्स, एंड माइनस सी को हम फिर से, माइनस सी को फिर से हम सी लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस सी इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो माइनस सी को भी हम सी लिख रहे हैं, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से यहां से अगर हम देखना चाहें तो log m माइनस log m वाली क्वेश्चन लिख जाएगी, तो ये हो गया log 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 2x प्लस सी। अगर हम एंटी लॉग ले रहे हैं दोनों तरफ, तो एंटी लॉग लेने पर हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर 2x डॉट a, यहाँ पे ए जो है वो e टू दी पावर सी है, यानी यहाँ पे भी हम सी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, ये कॉन्स्टेंट है, इधर से कॉन्स्टेंट है, ये हमारे पास हो गया। अब हमें यहां से चाहिए पी की वैल्यू, पी की वैल्यू हो या पी स्क्वायर की वैल्यू हो इसी तरह से, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर, और यहां पे अगर डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, तो उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा वन ई टू द पावर टू एक्स, और ए यहाँ पे माइनस वन, तो यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर पी स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहें तो हमारे पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहां से ये आ जाएगी वन अपॉन ए ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन इक्वल टू पी स्क्वायर, बट पी स्क्वायर क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर की जगह पहले p की वैल्यू निकालनी है, तो हमें रूट निकालना होगा, इसका रूट हो जाएगा, तो यहां से हो गया हमारे पास p बराबर वन अपॉन रूट, ये हो गया a e टू द पावर टू एक्स माइनस वन। अब ये हो गया हमारे पास, तो यहां से अगर हम इसको चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम dy अपॉन dx, p जो है वो dy अपॉन dx है इक्वल टू वन अपॉन a e टू द पावर टू एक्स माइनस वन रूट, ये हो गया हमारे पास। तो यहां से अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं dy वाई इक्वल टू वन अपॉन रूट ए टू द पावर टू एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स। अब फ्रेंड्स इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको कुछ इस तरह फॉर्म में चेंज करना होगा कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाए, तो इसको हम चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा dy वाई इक्वल टू, क्योंकि अगर हम देखें साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x क्या होता है हमारे पास, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में बन जाए, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स आ रहा है, साइन इनवर्स आ रहा है, साइन की फॉर्म में बदलता हुआ कहीं दिख नहीं रहा, तो साइन इनवर्स की फॉर्म में बदलना चाहिए, तो अगर इसमें हमें क्या चाहिए एक्स बाहर लेना है और अंदर एक्स स्क्वायर रहे, तो हमने यही पे यही किया कि ई टू द पावर टू एक्स कॉमन ले लिया,
तो e टू द पावर 2x कॉमन लेंगे इसमें से, तो हमारे पास जो बाहर आएगा वो आएगा e टू द पावर x ओनली। जब बाहर लेंगे कॉमन लेंगे तो e टू द पावर x बाहर आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन e टू द पावर x अपॉन, ये हो जाएगा a माइनस e टू द पावर माइनस 2x। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास, क्योंकि e टू द पावर 2x हमने कॉमन लिया है तो e टू द पावर x बाहर आ गया, बट हमें a भी कॉमन लेना है साथ में, तो a को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा a 1 माइनस अपॉन a, ये बाहर आ गया हमारे पास। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं, a को कोई और कांस्टेंट दे दे, सपोज a स्क्वायर, a को हमारे a की जगह हम b स्क्वायर कांस्टेंट दे दे, तो ये हो गया हमारे पास dy इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x यहां पर है हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन b, सो माइनस x का स्क्वायर, और ये हो गया dx। बट हमें चाहिए क्या फ्रेंड्स, यहां पे हमें चाहिए e टू द पावर, क्योंकि अगर इसको देखें इससे कंपेयर करें तो हमारे पास e टू द पावर या x चाहिए, या e टू द पावर x है, या e टू द पावर माइनस x अपॉन b है, यानी b तो हमने एलसीएम लिया था वो तो हमारे पास है, ये हो गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, इसको अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लिखना चाहूं मैं इसको, तो y बराबर, क्योंकि कहीं भी माइनस का साइन नहीं आ रहा, और ये इसको डायरेक्टली साइन के फॉर्म में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर, इंटीग्रेट करते हैं यहां से, तो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा यहां पे e टू द पावर माइनस x रह जाएगा, ये हो गया e टू द पावर माइनस x, क्योंकि इसको जैसे यहां से अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, अगर यहां से एक्सप्लेन नहीं हुआ तो सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमारे पास अगर e टू द पावर माइनस x का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां पे हम हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस x यहां बच जाएगा। अब अगर हम इसको 1 माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन b को, और यह कांस्टेंट b चल ही रहा है फ्रेंड्स, इसको हम कुछ टी मार के चले, सॉरी 1 अपॉन 2x अपॉन b, 2x सॉरी e टू द पावर माइनस 2x अपॉन b को t मान लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2x ऑफ dx और डॉट कांस्टेंट माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास नीचे जो अंदर जो बचेगा ये जो टर्म है वो t रह जाएगी t, और ये 1 माइनस t स्क्वायर, तो इस तरह से वो साइन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ये टर्म जो होगी वो dt की फॉर्म में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को चेंज कर लिया तो उसके बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा y बराबर, इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्टली, हम यहीं से डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख देते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली यहीं से हम देख सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन आ नहीं रहा, ऑप्शन हमारे पास है तो हमें देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माइनस साइन नहीं आ रहा, तो ये हो गया साइन इनवर्स। बट फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे मान के करेंगे e टू द पावर माइनस 2x, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, तो यानी माइनस का साइन यहाँ पे आएगा माइनस साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा सी वन e टू द पावर माइनस x प्लस सी टू, यानी y बराबर साइन, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इसको e टू द पावर माइनस 2x को हमने t माना t स्क्वायर, तो उस कंडीशन में हमारे पास माइनस साइन आगे आ जाएगा, यानी हमारे पास माइनस साइन जो है इस फॉर्मूले में साथ में चलेगा, तो यहां से y बराबर माइनस साइन इनवर्स सी वन e टू द पावर माइनस x प्लस सी टू, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है इसमें, हाँ। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, थैंक यू फ्रेंड्स।